एंट्री से लेकर मेट्रो तक आने तक कोई भी सिक्योरिटी चेक कुछ भी नहीं था। तो कुछ इस तरीके की मेट्रो आप जैसा देख सकते हैं बाहर से देखने में, कुछ इस तरीके की है और ऑटोमेटिक इसमें ग्लास भी रखे हैं। ये देखिए भाई साहब, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ढाका में, मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी यार। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट ढाका? यस। तो कुछ इस तरीके की ट्रेन है आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ का जो बैकग्राउंड है, डेवलपमेंट अच्छी खासी है। अगर आप पहली बार वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये मैं बांग्लादेश के अंदर हूँ। स्टेशन से बाहर निकलते हैं, मुझे देखिए डबल डेकर बस, यहाँ पे अभी भी 400,000 रिक्शा चलते हैं पूरे ढाका के अंदर, 400,000। और जो ट्रेन है साफ़ सुथरी है, और यहाँ पे जो कार्ड है कुछ इस तरीके से अंदर डाल देते हैं। तो भाई दुनिया को घुमाते हैं, आज मैं भाई को घुमा रहा हूँ अपने रिक्शा के अंदर, ढाका के अंदर, बांग्लादेश में। राम राम भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश, और इस वक्त मैं हूँ आपका ढाका बांग्लादेश के अंदर। और आज मेरा यहाँ पे दूसरे दिन, और मुझे मेरे होस्ट ने बताया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, और उन्हीं के मैं घर से भी बाहर निकल रहा हूँ, कि ढाका के अंदर भी आपकी मेट्रो चालू हो चुकी है। और आज का दिन मैं आपका यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है और उसके साथ साथ आपकी जो मेन मेट्रो है उसको भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और आपको दिखाऊंगा कि जो ये मेट्रो का एक्सपीरियंस है किस तरीके का होने वाला है। तो अभी चलते हैं बाहर। तो कुछ इस तरीके का एरिया है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ये देखिए। और जो मेट्रो स्टेशन है मेरे यहाँ से दिखा रहा है आपका 18 मिनट की दूरी पर, और मुझे यहाँ से पहले रिक्शा में जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, सीधा रिक्शा लेते हैं और चलते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ। शमोली अगरगांव मेट्रो स्टेशन, अगरगांव मेट्रो स्टेशन कोता टाका 250 फॉर मेट्रो, डू लेस 150 220 150 इट्स नॉट फार, इट्स नियर 200 150 ओके वन वन टू। तो भाई बैठ चुके हैं अपने रिक्शा के अंदर, और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, और भाई ने हमसे लिए 200 बांग्लादेशी टका, और थोड़ा कमी चार्ज होगा, हमसे थोड़ा ज़्यादा भी लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यार इनका जो काम है बड़ा मेहनत वाला है, और ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर फालतू चला भी जाए तो यार इनका काम देखो कितना हार्ड वर्क है। तो अब सीधा चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कीचड़ वगैरह वो पड़ा है बारिश की वजह से, ये देखिए। और मेरे साथ में यहाँ पे ये यूक्रेन की लड़की है ऑक्सी, ये भी साथ में ट्रैवल कर रही है, और मैंने सोचा चलो साथ में ट्रैवल करते हैं, अपने पैसे भी बच जाएंगे और थोड़ा जो बजट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो 200 है तो सीधा मुझे अब वो 100 रुपये पड़ेगा, तो अच्छा है। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट ढाका? यस, इट्स नॉट ट्रू दैट इन ढाका इट नाइट नॉट हैव वुमन, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। इन लेट ऑफ नाइट हैव एनफ वुमन, एंड नॉट ओनली इन कपल आल्सो अलोन, एंड इट्स टू मच ट्रैफिक, सो मच। I not see traffic like this anywhere, and too much hot. Yes, and मेरा भी यही सोचना था कि यहाँ पे मतलब मुझे पूरा सिंपल सा वाइब मिलेगा क्योंकि मुस्लिम कंट्री, लेकिन उतना सिंपल उतना मतलब हार्ड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया ऐसा खुला नहीं है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे ये काफ़ी खुला है। मतलब यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, लड़कियाँ भी घूम रही है, और लोग अपना आप यहाँ पे दारू सिगरेट भी मैंने देखा कि यहाँ पे लोग पी रहे हैं। अब कहाँ से मिलती है कैसे मिलती है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को पीते हुए देखा था कल रात को। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ की स्ट्रीट पे पीछे की साइड किस तरीके से मतलब सारी बिल्डिंगों में आपको मेटल दिखेगा, इवन ग्राउंड फ्लोर के आपको 5 मंजिल 6 मंजिल तक भी मेटल ही मेटल दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। और मतलब उतना गरीब नहीं लग रहा कि मतलब आप सोचते हो कि बांग्लादेश से गरीब है, अच्छे खासे यहाँ पे पैसे वाले लोग भी हैं, आपको वो बिल्डिंगें देख के समझ में आइडिया लग जाएगा कैसा है। तो मतलब अच्छा है बांग्लादेश, मुझे तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब दिखाता हूँ आपको मैं पीछे कैसा है, ये देखिए। मतलब हर बिल्डिंग में आपको मेटल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे मतलब अलाउड है आपका कि आप 10-10 मंजिला मकान भी बना सकते हैं। और ट्रैफिक को देखिए यार, अब क्या ट्रैफिक है, और यहाँ पे रिक्शा बहुत ज़्यादा है, ये देखिए रिक्शा। और इंडिया में तो अपना लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिक्शा हैं अभी भी, और मैंने चेक करा ऑनलाइन, यहाँ पे अभी भी 400,000 रिक्शा चलते हैं पूरे ढाका के अंदर, 400,000 रिक्शा बहुत हो जाते हैं। और आप मेरे पीछे का व्यू देखिए किस तरीके का व्यू आ रहा है यहाँ पे,
और ये आपकी एवरेज स्ट्रीट है, कोई पॉश इलाका नहीं है, एवरेज गली कुछ इस तरीके की दिखती है आपकी। आते हैं आज मैं भाई को घुमा रहा हूँ अपने रिक्शा के अंदर, ढाका के अंदर बांग्लादेश में, और मजा आ गया भाई बांग्लादेश में ये रिक्शा चला के। और भाई व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अलमामुन हुसैन जुएल। गुड, यू लिव इन ढाका? यस आई लिव इन ढाका। एंड हाउ मच यू अर्न इन वन डे फ्रॉम रिक्शा? आई डोंट अंडरस्टैंड। हाउ मच कोटा टाका वन डे? वन डे एक्चुअली 1000 टाका। 1000 टाका? यस। ओके, इट्स गुड मनी? It's good money for everything, eat? But not good money. Not good money. Oh, okay. तो यहाँ के लोग 1000 बंगाली टका कमा लेते हैं एक दिन के अंदर, और रिक्शे वाले जो हैं आई थिंक यहाँ पे, लेकिन थोड़ा महंगाई भी है यहाँ पे, किराया वगैरह काफ़ी महंगा टका के अंदर, तो उतना कुछ खास मनी तो नहीं है। तो अभी मैं भाई को रिक्शा उनका वापस कर देता हूँ और हम चलेंगे सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ। चैनल ऑफ माई यूट्यूब चैनल नेम इज रजनीश तनवर ब्लॉग, रजनीश तनवर। You have phone? Phone nahi, but write likhi diben. Main likh dunga. Give me write. Give yes, me write sure. Your YouTube channel name. It's just my name. I will write you. Okay. भाई साहब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ढाका में, मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी यार, मतलब कोई दिखेगा तो एक बार लगेगा भी नहीं कि बांग्लादेश के अंदर है। भाई यहाँ पे भी अच्छी खासी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं आपकी, मतलब पूरे ढका में तो नहीं है, लेकिन आपके मैंने कई जगह पर देखा, मुझे छोटी छोटी रोड से देखने को मिल रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा है, ऐसा कुछ अच्छा खासा है, मतलब इंडिया में भी छोटे शहरों में ऐसा इंफ्रा अपने को देखने को नहीं मिलता है, बड़े शहरों में तो मिल जाएगा लेकिन छोटे शहरों में इतनी छोटी रोड में कहाँ देखने को मिलती है। तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स भी अच्छी खासी हैं, बस ये है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल घूमने लायक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, एक बार तो आ ही सकते हो, मज़ा आ गया। लेकिन यार मतलब अभी थोड़ा मौसम भी ठीक ठाक ही है, वरना दो दिन पहले कल या परसों यहाँ पे गर्मी बड़ी गंदी पड़ रही थी, लेकिन अभी मौसम मैनेजेबल है, ठीक ठाक है। और रिक्शे में चल रहा हूँ, हवा लग रही है तो उतना फील नहीं हो रही है गर्मी, ह्यूमिडिटी फील नहीं हो रही है, मज़ा आ गया। तो भाई ने हमें पहुँचा दिया है आपका आगर गाँव मेट्रो स्टेशन पर, और ये देखिए कुछ इस तरीके का मेट्रो स्टेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए उतरते हैं अभी। तो मैं आ चुका हूँ आपका जो अगर गाँव मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर, और यहाँ पे आते ही मैंने देखा, यहाँ पे जो पीछे लाइन देख रहे हो ये सारी आपकी मेट्रो की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ेगा टिकट खरीदने के लिए। तो अभी टिकट लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 मैं ट्रेन स्टेशन है जो मेट्रो के, उनको मैं ट्रैवल करूँगा, क्योंकि लंबा करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको दिखाना ही है मुझे, मैं कहीं जा नहीं रहा अभी। तो अभी टिकट लेता हूँ और देखता हूँ कि जो प्राइस है वो कितना है। पहले आप छोटा सा क्लिप देखिए यहाँ पे किस तरीके का मेट्रो स्टेशन है, और आपको इंडिया के कंपेयर में वो किस तरीके का लगता है। तो ये जो आपकी लाइन है ये है आपकी मैनुअल, यहाँ पे मतलब बंदा बैठा होगा वो आपको टिकट देगा, और इस तरफ जो ये तीन लाइनें हैं ये हैं आपकी टिकट वेंडिंग मशीन, यहाँ पे मशीन से कैश डाल के या कार्ड डाल के अपना आप टिकट आपको मिल जाएगी। थैंक यू। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टिकट है वो भी कार्ड की तरह ही मिलती है, मतलब यहाँ पे टोकन वगैरह नहीं है अपने इंडिया की तरह, तो यहाँ पे जो बेसिक टिकट है वो ही कार्ड ही है। तो अब मुझे नहीं पता है रिचार्ज होता है क्या होता है, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आ रही थी, तो अब पहले उत्तरा नोट जाता हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये कार्ड मतलब वापस चला जाएगा उसके अंदर, या फिर इसमें रिचार्ज का ऑप्शन भी होता है जैसे अपने इंडिया में जो मेट्रो कार्ड होते हैं उसकी तरह ये कार्ड है। तो अभी चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मुझे अभी तक तो यहाँ पे कुछ फ़र्क लग नहीं रहा, हाँ थोड़ी सी थीम जरूर अलग है, मतलब यहाँ पे थोड़ा बांग्लादेशी वाली ग्रीन एंड रेड वाली लुक दे रखी है, बाकी उसके अलावा मोटा माटी सेम ही मेट्रो सिस्टम जैसे अपने वहाँ पे वैसा ही है। बाकी जो मेट्रो ट्रेन कैसी है वो आपको मेट्रो के जब आ जाएगी तभी पता लगेगा वो कैसी है। तो चलिए मेट्रो का वेट करते हैं आने वाला। और जो ये मेट्रो की टिकट है वो मुझे पड़ी है 60 बांग्लादेशी टका की, लगभग आपके 45-50 इंडियन रुपीज़ हो गए, और इसके लिए मुझे करीब, तो स्टेशन जो है वो करीब करीब आपके 8-9 स्टेशन के आसपास है, तो 8-9 स्टेशन का यहाँ पे प्राइस है 60 बांग्लादेशी टका। तो कुछ इस तरीके की मेट्रो आप जैसे देख सकते हैं बाहर से देखने में, कुछ उस तरीके की है, और ऑटोमेटिक इसमें ग्लासेस भी दे रखे हैं, ये देखिए।
कुछ इस तरीके की ट्रेन है और नई ट्रेन तो काफ़ी अभी साफ सुथरी है, ये देखिए। और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली मुझे क्या मिली, जैसे ही मैं मेट्रो से आया था तो अपने जैसे इंडिया में होता है कोई से भी मेट्रो स्टेशन पर चले जाओ आपका बैग का हमेशा सिक्योरिटी चेक होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री से लेकर मेट्रो तक आने तक कोई भी सिक्योरिटी चेक कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी थी जो लोगों को मना कर रहे थे कि आप जो प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा दूर रहो क्योंकि मेट्रो आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नया मेट्रो आया तो लोगों को नया नया क्रेज है कि मेट्रो कैसी होती है क्या देखने का, तो वो पूरा डीपली उसके पास तक जा रहे थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 3-4 पुलिस वालों का उसमें यही काम था लोगों को वहाँ से दूर करने तक जहाँ पे मेट्रो आपकी आने वाली थी। बाकी जो मेट्रो है नई मेट्रो है क्लीन है साफ सुथरी, क्योंकि अभी चालू हुई है वो दिसंबर 2022 में, तो अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी काफ़ी कुछ चमचमा रही है, अच्छी मेट्रो है, ठीक है। और बाकी जो राइड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं एंड तक बताऊंगा, और आपको छोटा सा मैं व्यू दिखाता हूँ पीछे से जो मेट्रो का जो एम्बियंस है वो किस तरीके का। तो कुछ इस तरीके का आपका इंटीरियर है, ये देखिए, मतलब अच्छा लगा मुझे देख के। और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपकी दे रखी है यहाँ पे कि किस तरीके से कौन सा स्टेशन है और कहाँ जाने वाली है, साफ सफाई भी अच्छी है, ये देखिए। पूरी मेट्रो लगभग खाली सी पड़ी हुई है और इनफ सीट है, आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर बैठ सकते हैं, तो ये देखिए। और बाकी आपको मेट्रो चलेगी तो आपको मैं जो व्यू है वो दिखाता ही रहूँगा। और अच्छी बात क्या है मेट्रो पे कि जो आपका अनाउंसमेंट है वो आपकी बंगाली में तो है ही है और हिंदी में तो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं, और बंगाली के साथ साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट इंग्लिश में भी है, तो अगर आप दूसरी कंट्रीज से भी आ रहे हो तो आपको ये इशू नहीं होने वाला है क्योंकि आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, डिस्प्ले में भी लिखा हुआ है और आप अनाउंसमेंट भी प्रॉपर होगी कि आपको कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना है। लेकिन थोड़ा सा अभी इशू क्या है कि जो ये मेट्रो है ना सिर्फ इसकी एक ही लाइन है, कुछ ही मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं और बाकी मेट्रो स्टेशन पर अभी काम चल रहा है, और इनका जो प्लान है कि ये 100 से ऊपर मेट्रो स्टेशन बना देंगे 2030 से पहले, और मैंने देखा भी तो काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन पर वर्क इनका अच्छा खासा चल रहा है। और बाकी ज़्यादा सिमिलर ही है इंडिया से, थोड़ा सा थीम अलग है और नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा साफ है अपने इंडिया के कंपेयर में। और बाकी मुझे अच्छा लगा कि यार ढाका में भी इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बांग्लादेश में मज़ा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके की ट्रेन है आपकी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी कुछ इंडिया जैसी ही ट्रेन है आपकी। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हो यहाँ का जो बैकग्राउंड है डेवलपमेंट अच्छी खासी है, अगर आप पहली बार वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये मैं बांग्लादेश के अंदर हूँ, तो आपने मेरे पीछे देखा ही होगा कि पूरा डेवलप था, अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, आपको मेट्रो से बाहर का जो व्यू देख के वो समझ में आ ही रहा होगा। और मैंने क्योंकि ट्रेन बताऊँ तो नहीं खरीदी, और अभी मीरपुर स्टेशन आया है और अभी पूरा क्राउड हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ। और जो ट्रेन है साफ सुथरी है, अच्छी खासी कंडीशन में है, ये देखिए। और अभी मैं आ चुका हूँ आपका जो उत्तरा नॉर्थ जो लास्ट स्टेशन है इस मेट्रो का वहाँ से बाहर, और जो ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो मुझे अच्छा ही लगा। और यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ क्या लगी, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था और यहाँ पे जो वॉशरूम है वो मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है, और ये देखिए यहाँ आपका मेट्रो हिलाती है और यहीं पर आपका जो मेट्रो जो टॉयलेट है वो मौजूद है, तो ये फ़र्क मुझे देखने को मिला अपना यहाँ पे इंडिया के कंपेयर में, क्योंकि अपने इंडिया में जो टॉयलेट होता है वो आपका जो मेट्रो स्टेशन होता है उसके बाहर होता है, और आपका जो ढाका में जो मेट्रो बनाई गई है उसमें आपका प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपका टॉयलेट है। और यहाँ पे जो कार्ड है कुछ इस तरीके से अंदर डाल देते हैं, ये देखिए। और मुझे लगा कि यहाँ पे टैप होगा, यहाँ पे कहीं पे डालना किसी को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मशीन में ही वो कार्ड आपका अंदर चला जाएगा, अपने यहाँ पे वैसा नहीं है कि स्कैन करा और कार्ड आपके पास ही रह गया, कार्ड आपका मशीन के अंदर जाएगा यहाँ पे। तो अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर। स्टेशन से बाहर निकलते मुझे देखिए डबल डेकर बस, और यहाँ पे ये बहुत पुरानी बसें हैं जो कोलकाता में भी चलती थी पहले कुछ इसी तरीके की, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये बसें चल रही हैं, ये देखिए। और कंडीशन देखिए इनकी क्या हुई पड़ी है, ये देखिए। और कुछ इस तरीके की बस है, आप ये देखिए। तो ये डबल डेकर बस यहाँ पे आज भी चल रही है, और अभी मैं सेकेंड फ्लोर पर हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और कुछ इस तरीके की बस है। तो भाई अब मेट्रो के साथ साथ रिक्शा के साथ साथ अब ये डबल डेकर बस के भी आप नज़ारे को मज़े ले लो,
और यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और पीछे का भी उस तरीके का, और ये सेकंड फ्लोर है और नीचे एक और फ्लोर है, तो कुछ इस तरीके की बस है आप जैसा देख ही सकते हो। सामने आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर कोई ड्राइवर सीट नहीं है, सीधा आपकी विंडो है और पीछे भी आपकी सीधा विंडो है बाहर जाने के लिए। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सीधा विंडो है, आप यहाँ से पीछे का व्यू देख सकते हो और ये आपके स्टेयर्स है नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए। ये देखिए और ग्राउंड आपको जो नीचे का फ्लोर है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। और बाकी जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरे को अच्छा ही लगा, और जो मेट्रो थी मुझे तो पसंद आई, एंड आई होप आपको भी जो ये ओवरऑल वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। और मैंने आपको पूरा कोशिश करा कि आपको दिखाऊं किस के अंदर कि यहाँ पर लोकल जो लोग रहते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट का फील है वो किस तरीके का है। रिक्शा भी आपको मैंने दिखाया, मेट्रो भी दिखाया, और आपको ये भी दिखाया कि जो यहाँ की जो लोकल बस है वो किस तरीके की होती है। और जो मेट्रो है जो इस वीडियो का जो मेन पार्ट था वो मुझे दिल्ली से ज़्यादा अलग नहीं लगी, था थोड़ा थीम अलग था और कुछ चीज़ें छोटा मोटा अलग थी। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे टोकन भी होता है और कार्ड भी होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका कार्ड का ही ऑप्शन था, आपका यहाँ पे टोकन का ऑप्शन नहीं था। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर इसको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है आपको वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, और अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।